दोस्तों, तो आप देख रहे हैं प्लांट लवर। मैं अर्चना गुप्ता आपके लिए लेकर आई हूँ आज एक वीडियो। तो आप जैसा जानते हैं, मानव का प्रकृति, वृक्ष और पौधों के साथ सदियों से अटूट रिश्ता रहा है। पेड़ पौधे से ना केवल घर की सजावट होती है, बल्कि यह हमारे घर का भी वास्तु ठीक करते हैं। वैसे तो हर पेड़ का अपना महत्व होता है, लेकिन नीम के पेड़ का औषधीय के साथ साथ धार्मिक महत्व भी है। तो आज मैं आपको नीम के बारे में बताने वाली हूँ। तो ये है मेरा नीम, जिसे मैं नर्सरी से लाकर अभी 2 महीने पहले एक गमले में लगाई हूँ। तो ये पहले इसकी हाइट इतनी थी, तो अभी आप देख रहे हैं कि 2 महीने में अच्छा ग्रोथ हो गया है और इसके पत्ते भी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो अब मैं इसके बारे में आपको बताने वाली हूँ कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। नीम का पौधा घर में ऐसे स्थान पे लगाएं जहाँ से पूरे घर से उसकी हवा आ सके। घर के मुख्य द्वार पे भी आप नीम का पौधा लगा सकते हैं, उसे अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर आपको वाणी की समस्या हो या आपका मन चंचल हो, तो नीम का दातुन जरूर करें, उससे अच्छा होता है। और नीम की लकड़ी के पलंग पे सोने से त्वचा संबंधी समस्याएँ दूर होती हैं। नीम के तेल और छाल के प्रयोग से कुष्ठ रोग सरलता से दूर किए जाते हैं। अगर शनि देव पीड़ा दे रहे हैं तो नीम की लकड़ी की माला धारण करनी चाहिए। अगर घर में बुजुर्ग हो तो आप नीम का पौधा जरूर लगाएं। नीम बहुतायत में पाया जाने वाला वृक्ष है। यह औषधीय गुणों से बहुत ही भरपूर होता है, इसलिए हमारे आम जीवन में इसका बहुत ही प्रयोग होता है। इसकी पत्तियों से लेकर इसके बीज तक सब कुछ अत्यंत उपयोगी होते हैं। त्वचा, पेट, आँखें और विषाणु जनित समस्याओं से इसका प्रयोग अद्भुत होता है। इसकी पत्तियां भी किसी भी प्रकार के संक्रमण को रोक सकती हैं। तो अब मैं आपको इसके धार्मिक और दैविक महत्व के बारे में बताने वाली हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, देवी और शक्ति की उपासना में नीम की पत्तियों का बहुत ही प्रयोग किया जाता है। माँ शीतला और माँ काली की पूजा में नीम का प्रयोग भी किया जाता है। शनि की शांति करने के लिए नीम की लकड़ी का हवन करना भी फलदायी होता है। इस प्रकार नीम के पत्तों वाले जल से स्नान करने से इस त्वचा संबंधी सारी समस्याएं दूर होती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत ही फलदायी पौधा है, तो आप लोग इसे अपने घर में ज़रूर लगाएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और बी सेफ एंड टिल देन, बाय बाय।